हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ लोन पेयर। ओके फ्रेंड्स, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर फ्रेंड्स दो टाइप्स के होते हैं, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर और स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। ओके फ्रेंड्स, तो जो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होते हैं वो कॉज करते हैं रिपल्शन। रिपल्शन कॉज करेंगे तो कॉज क्या करेंगे, डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। तो रिपल्शन होने से डिस्टॉर्ड हो जाएगी ज्योमेट्री। ओके फ्रेंड्स, और जो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर हैं, ओके फ्रेंड्स, तो वो क्या करेंगे, वो विच डोंट कॉज रिपल्शन, वो रिपल्शन कॉज नहीं करेंगे। रिपल्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नो डिस्टोर्शन इन ज्योमेट्री हो जाएगा। इसका मतलब वो डीपली सीटेड टुवार्ड्स न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के बहुत अंदर जाकर मतलब छिपे रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब डीपली सीटेड होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियस। ओके फ्रेंड्स, तो कहानी हमारी शुरू होती है कि स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर का हमें पता कैसे चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इनका आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर्स को। तो पहली कंडीशन ये है कि इफ स्टीयरिक नंबर इज ग्रेटर देन 7, कि पहली कंडीशन है अगर स्टीयरिक नंबर ग्रेटर देन 7 हुआ तो वो परफेक्ट ज्योमेट्री में रिजाइड करेंगे ऑलवेज। अगर स्टीयरिक नंबर ग्रेटर देन 7 है तो ऑलवेज उनकी ज्योमेट्री परफेक्ट होगी। तो क्यों होगी, क्योंकि वो डीपली सीटेड एस ऑर्बिटल्स जो होता है वो न्यूक्लियस के डीपली सीटेड होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगले टर्म पे आते हैं। इफ स्टीयरिक नंबर इज 7, अगर स्टीयरिक नंबर हमारा 7 आता है तो अब ये दो बातें। तो पहली बात होगी फ्रेंड्स कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम्स होंगे। अगर सराउंडिंग एटम्स में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो लोन पेयर एक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर सराउंडिंग एटम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर इनएक्टिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर सराउंडिंग एटम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑलवेज इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अब तीसरा पॉइंट ये होता है, अगर स्टेरिक नंबर 6 है, अगर हमारा स्टेरिक नंबर 6 आता है तो क्या होगा, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर स्टेरिक नंबर 6 है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सराउंडिंग एटम्स में तो ऑलवेज लोन पेयर इनएक्टिव हो जाएगा। जो लोन पेयर होगा ना वो हमेशा ही इनएक्टिव होगा, ऑलवेज इनएक्टिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं MX63-। अब हमने इन जनरल एग्जांपल लिया है MX63-, तो वेयर एम जो मेटल है हमने क्या लिया है, Sp, एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मथ लिया है, ग्रुप 15 का लिया है। ओके फ्रेंड्स, और एक्स क्या है हमारा, Cl-, Br- और I-। तो अगर हम इसमें ये एक ये इन जनरल एग्जांपल हो गया और दूसरा इन जनरल एग्जांपल ले रहे हैं हम MX62-। ओके फ्रेंड्स, फेयर एम एम जो है सेलेनियम है, टेलूरियम है, ग्रुप 16 का एग्जांपल हो गया, और एक्स क्या है, Cl-, Br- और I-। अगर ये तीनों चीज हैं, अगर ये इनको अगर हम इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये 9 कंपाउंड्स हैं, तो ये जितने भी कंपाउंड्स इनसे डिराइव्ड होंगे तो ये ऑलवेज रिसाइड इन परफेक्ट ज्योमेट्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमेशा ही परफेक्ट ज्योमेट्री में रिसाइड करेंगे। अब हम ग्रुप 15 का एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो ग्रुप 15 का एग्जांपल मैंने लिया SbCl6-3-। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, नोट। तो लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे, जो स्टीयरिक नंबर होगा स्टीयरिक नंबर में से टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स घटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, मतलब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम मोनोवेलेंट बॉन्ड घटा देंगे तो उससे लोन पेयर निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ग्रुप 15 का हमने एग्जांपल लिया है SbCl6-3-। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, स्टेरिक नंबर Sb के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, और 1Cl में कितने होते हैं, 1Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होते हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 5 + 6, तो ये ऊपर उसके माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं, +3/2 हो गया, तो ये कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 7 आ गया। अब स्टेरिक नंबर 7 आने से अब देखिए बॉन्ड पेयर निकाले हमने, 6 बॉन्ड पेयर हमें दिख ही रहे हैं। अब लोन पेयर कितना आया, मैंने बताया था स्टीयरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर हो गया, तो लोन पेयर आ गया 1। तो ये 1 क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर होगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो आपको पहले ही बताया स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव का मतलब है डीपली सीटेड टुवार्ड्स न्यूक्लियस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर, एक्चुअल स्टीयरिक नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग स्टीयरिक नंबर 7 के अकॉर्डिंग ये क्या थी, Sp3d3 हो गया, बट एस ऑर्बिटल्स डोंट टेक पार्टिसिपेट इन
हिब्रिडाइजेशन बिकॉज इट इज डीपली सीटेड, क्या हो जाएगा, दिस एस ऑर्बिटल इज डीपली सीटेड डजंट टेक पार्टिसिपेट इन हिब्रिडाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो तब एक्चुअल स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, तो सपोज टू बी 6 हो गया, तो देयर फॉर P3D3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये क्या हो गया, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी ज्योमेट्री होगी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं XCF8 2- का। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर अगर हम निकालते हैं इसका फ्रेंड्स, तो क्या हो गया, 8 ज़ेनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, और 1 फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 हो गए, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 9 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी बताई थी अगर स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा आ जाए तो उसका लोन पेयर ऑलवेज इनएक्टिव होगा, तो ये बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 8 आ गए, लोन पेयर क्या हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो देयरफॉर एक्चुअल स्टेरिक नंबर क्या था, 8 था, तो अब एक्चुअल तो देयरफॉर स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, इज सपोज टू बी 8 हो जाएगा, तो P3D5 हो जाएगी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन P3D5 हो जाएगा और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, परफेक्ट स्क्वायर एंटी प्रिस्मेटिक। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल है XCF7-, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, ज़ेनोन के वैलेंस शेल में 8 हो गए, तो 8 प्लस 7 माइनस, ये उसके ऊपर माइनस था तो ये प्लस कर दे, डिवाइड बाय 2, तो 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8। ओके फ्रेंड्स, अब भी स्टेरिक नंबर 8 आ रहा है, तो लोन पेयर 1 हो गया, बॉन्ड पेयर 7 हो गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर स्टेरिक नंबर इज ग्रेटर देन 7 तो ऑलवेज इनएक्टिव होगा, तो देयरफॉर एक्चुअल स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, 7 के लिए क्या होता है, P3D4 हो गया, तो ज्योमेट्री क्या होगी फ्रेंड्स, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट एग्जांपल लेके बताता हूं, ज़ेनोन XCF6। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालने की कोशिश करता हूं, तो ज़ेनोन के वैलेंस शेल में 8 हो गए, तो फ्लोरीन में कितने हो गए, 6 हो गए, तो 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 7 हो गया, तो लोन पेयर 1 हो गया, अब बॉन्ड पेयर 6 हो गया, तो अब यहां पर क्वेश्चन पुटअप होता है, तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ ज़ेनोन F6। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए पहला ऑप्शन मैंने दे रखा है मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड डिस्टॉर्टेड पेंटागनल पिरामिडल या ऑल ऑफ करेक्ट, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ करेक्ट, क्योंकि देखिए बिकॉज इट इज अ फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल है, क्यों, जो ज़ेनोन F6 होता है वो एक फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल है, सो देयरफॉर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, सो देयरफॉर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एक्चुअल ज्योमेट्री इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट, सो ऑल ऑफ, सो इसके सारे के सारे कन्फर्मर्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था अगर स्टेरिक नंबर 7 आ जाता है तो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो हम नहीं बता सकते कि वो लोन पेयर किधर प्रेजेंट होंगे, तो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सारे के सारे कन्फर्मर्स होंगे, तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये लोन पेयर डीपली सीटेड है, अगर वो डीपली सीटेड होगा तो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा। ओके फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर होगा, तो अगर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है तो क्या रिजल्ट करेगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी इसकी ज्योमेट्री। अब ये कंडीशन भी हो सकती है कि ज़ेनोन वो बॉर्डर लाइन पर हो वो लोन पेयर। ओके फ्रेंड्स, तो बॉर्डर लाइन पर हो। अब तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ऑक्टाहेड्रल शेप हो और वो लोन पेयर आउटसाइड हो, आउटसाइड हो तो क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तब उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाता है तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा, बिकॉज इट इज अ फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल्स, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एक्चुअल ज्योमेट्री। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस मॉलिक्यूल को ठंडा कर देते हैं। XCF6 एक गैस होती है, अब हमने इसको कूल कर दिया। अब जैसे हम इसको कूल करते जाएंगे तो ये पॉलीमराइज्ड हो जाएगा, डाइमर टेट्रामर, तो ये किस किस फॉर्म में होता है, टेट्रामर बन जाता है इसका XCF6-4, तो इसका टेट्रामर एग्जिस्ट करता है, इसका हेक्सामर बन जाता है और इसका ऑक्टामर भी बन जाता है, और भी बहुत सारी फॉर्म्स एग्जिस्ट करने लग जाती है इन सॉलिड स्टेट में, बट मेजोरिटी इसकी होती है टेट्रामर की। ओके फ्रेंड्स, XCF6-4-, तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, XCF6 XCF5+ F- का होल 4। तो अगर हम इसका XCF5
प्लस का अगर हम ज्योमेट्री निकाल स्टेरिक नंबर निकालने की कोशिश करते हैं तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, जेनोन के वैलेंस शेल में 8 हो गया, फ्लोरीन में 5 हो गए, माइनस 1 हो गई, प्लस को माइनस करते हैं डिवाइड बाय 2 तो इक्वल्स टू 6 आ गया। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 5 आ गया और लोन पेयर इक्वल्स टू 1 आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो स्टीरियो केमिकली एक्टिव हो जाना चाहिए, अगर स्टीरिक नंबर 6 आ जाए तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जानी चाहिए, बट एक्चुअली में तो हमारी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जानी चाहिए, क्या हो जाएगा, तो आ जानी चाहिए बट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर किड्स के लिए है कि अगर बच्चों को बताना है तो तब तक ये ठीक है, बट एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि फ्लोरीन माइनस जो एफ माइनस हो गया ना फ्रेंड्स, तो वो एक ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है तो वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। देखिए जैसे XCF5 प्लस हो गया और ये XCF5 प्लस हो गया, तो दो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट, दो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में F माइनस एक ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये, तो अगर वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी इन सॉलिड स्टेट में। ओके फ्रेंड्स, तो और इसका रेफरेंस है हुई की बुक में भी इसका रेफरेंस दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स इट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ लोन पेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।